मेरी सिद्धार्थ से अभी बात नहीं हुई है मेरी, पर मुझे पता है कि अभी वो ठीक हैं, अच्छी हालत में है इन द सेंस, काफ़ी रूमर्स उड़ रहे थे उनके बारे में, बट ही इज़ फाइन, आई गॉट टू नो मेरे दोस्त। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहा मुझे मेरी मदर से सिर्फ बात करनी है, बात की। उन लोगों ने मुझको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मेरा सर दीवार में मार दिया, मुझे चार चार लोग एक साथ मार रहे हैं। मुंबई में रिहैब, और मैंने अपनी मदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मैं एक अकेलेपन के ऐसे दौर से निकला हूँ ना, जहाँ पे मैं चाहता था मैं अकेला, मुझे उस जगह से भी तोड़ दिया जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मैं मेंटली फिट रहता था, मैं आध्यात्मिक था, मैं दिव्य ज्योति जगह संस्थान से जुड़ा हुआ था, मुझे उनका ऐसा सपोर्ट था कि मैं मेंटली कभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, मैंने इतने काम संभाले। मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया कि मैं, मुझे वहाँ पर 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुँह से खून निकल रहा है। किसी तरह 1 महीने बाद मेरे मैनेजर्स से कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे वहाँ से खींच के निकलवाया किसी तरह। 1 महीने बाद मैं वहाँ से निकला, टुडे आई एम रियली शैटर्ड। मैं बताता हूँ, मेरा मैं सब्सटेंस यूज़ कर रहा, मैंने अपनी मदर को खुद बताया क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर आना चाहता था। मैं बाहर आया रिहैब से, रिहैबिलिटेशन से बाहर आया, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकला, मैं निकला और बाहर आया तो वो व्यक्ति दोबारा मुझे मिलता है। सब कुछ बिक गया था, तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे मेरे को क्या, मैंने कहा मम्मी जो लोग मुझे जानते हैं जिनके साथ मैंने काम किया है उनको दोबारा, उनके दोबारा फ़ोन है सिद्धार्थ हम ऐसा ऐसा अवार्ड फंक्शन। मेरी एक वीडियो है, मैं रिहैब से निकला हूँ और मैं वो एक शो था ना जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, अभी जो लेटेस्ट हुआ वो, मैं रिहैब से निकला हूँ, गाड़ी मुझे रिहैब की ड्रॉप की है, मैं अंदर अवार्ड फंक्शन किया है और मैं वापस उस रिहैब में गया हूँ। तो मैं क्योंकि मेरे मदर को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं फटाफट गया, शो किया, शूट करा, वापस रिहैब गया, फिर बाहर आया, फिर एक कोई इवेंट था वो किया, फिर मैं वापस चला गया। और मेरे लिए था कि मेरी अभी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है और मेरी हमेशा वही रहे। फिर मैं वापस आया, बाहर आया तो वो व्यक्ति, उसका नाम सुयश गाड़गिल है जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, ये इंसान, मैं बाहर आया तो मुझे हमने बंगलो लिया था एक, मैं वहाँ रहता था, इसने दोबारा मुझको घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को मैं किसी मीटिंग के लिए था, मैं मैनेजर्स के साथ था अपने, मैं मीटिंग के लिए था और उसने, पता नहीं, मैं घर पहुँचा तो मैंने कहा क्या हुआ, आप कहते तुम्हें पूछ रहे हैं कहाँ हो, मैंने कहा मैं उधर ही हूँ, उधर ही था। बोलते हम वहाँ हो क्या आए हैं, मैंने कहा वो जगह बंद नहीं होती है, मैंने कहा आप 4 बजे तक भी जाओगे वो CCD खुला रहता है, जूहू पे था मैं, मैंने कहा आप अभी भी चलोगे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता मेरे पेरेंट, शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला रखा, मैं अपनी मदर का ही होके रहा तो मैं आज बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। मैं उसको बोला, मैं कहा तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, मैंने बोला तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी चल के देखते हैं। रात को घर में लड़ाई होनी शुरू हुई,
मैंने घर छोड़ दिया. मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है मैं घर से चला जाता हूँ, आप लोग रह लो. बोलता हाँ ठीक है. मैं गाड़ी लेके निकला और उस टाइम मेरे मैनेजर्स जानते हैं कि मैं कैसा था, कि एक हफ्ता मेरा बहुत बहुत अजीब डिप्रेशन में. मैंने फिर दोबारा कनेक्ट किया स्वामी जी को, फ़ोन किया. मैं कहा स्वामी जी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, महाराज जी इज़ इन अ स्टेट ऑफ समाधि. तो अभी मैं उनसे फिज़िकली तो कनेक्ट नहीं हो सकता, उनसे बात नहीं कर सकता. फिर महाराज स्वामी जी ने बोला आप ध्यान करो सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा. और वो एक हफ्ते के बाद दोबारा ध्यान शुरू किया, मैं दोबारा नॉर्मल होने लगा. मेरे पास दोबारा शोज़, मैं एक नया शो ला रहा था कॉमेडी क्लासेस सीज़न 2 का, आपको मालूम होगा उसके बारे में. वो जो शो था उसके लिए बहुत से अच्छे लोग जुड़े. मैं आज उनको भी शायद ये बात क्लियर करना चाहता हूँ. उनको भी लगा अचानक मैं गायब कहाँ हुआ, बिकॉज उन्होंने, मैं उस टाइम उनके कुछ कितनी स्क्रिप्ट मैं उन लोगों ने बनाई, इतनी तैयारी कर दी, जगह बुक कर ली, सेट की तैयारी हो रही थी. वो लोग भी आज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं, वो लोग भी पता कर रहे हैं कि सिद्धार्थ गया कहाँ. बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, कुछ क्लोज हैं, कुछ सब लोगों ने बहुत मेरी इस बार इस वक्त मदद की. हुआ क्या कि मैं तैयारी कर रहा था, मेरी मदर का फ़ोन आया, कुछ पैसे भिजवाए 15-20 हज़ार रुपये. तो मैं पैसे चाहिए थे ना, मैं कह नहीं मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, अभी हैं मेरे पास. नहीं नहीं रख लो. मैं कहूँ मम्मी इससे कुछ हो गया नहीं, इस अमाउंट से मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें 15-20 हज़ार कुछ नहीं है, मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत. फिर पैसों का कुछ मेरे को वो भेजते रहे, वो जो मुझे अमाउंट आता था उस ट्रांजैक्शन की फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करते थे, तो मेरे को ये इंट्यूशन लग रहा था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है. जिन्होंने मेरी 2 महीने से खबर नहीं ली है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, वो आज मुझे, अभी आपको याद होगा दिसंबर से पहले कुछ 2 महीना मैं 3 महीना इंस्टा पे सुपर एक्टिव था, रोज़ पोस्ट करता था, रोज़ पोस्ट. उस टाइम मैं, क्योंकि फैमिली से अलग हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कोई बात नहीं मेडिटेशन के दौरान कि शायद उनको लग रहा है ना मैं अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करूँगा. इस दौरान इन्होंने मेरे को बोला कि सिद्धार्थ हमें गाड़ी चाहिए. तो मैंने गाड़ी के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने इनको जाके मेरी गाड़ी जो थी वो मैंने इनको दी, हैंड ओवर की जिस आदमी को गाड़ी दी थी. उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए. तो वो, मैं सामने सामने बैठा हूँ ऐसा गाड़ी में, जो बंदा खरीदने आया वो ऐसे बैठा है. अचानक वो उसका फ़ोन बजता, मेरे फ़ोन बजता है. अच्छा मैडम उतना अमाउंट नहीं देना है. अच्छा मैं कम देता हूँ. मैं मदर को कॉल की, मैं कहा आप की अमाउंट नहीं दे रहा मेरे को. कहती तुम रुको मैं बताती हूँ. उसने कुछ बहुत ही कम अमाउंट दिया. मैंने कहा ये क्या है. मैं कहा ये तो, मैं वहाँ से निकला, मेरे एक फ्रेंड है अंकित के साथ मैं गोवा गया था. उन्होंने कहा था सिद्धार्थ रिलैक्स, कोई टेंशन ही नहीं, हम लोग घूमने चलते हैं. मैं गोवा से वापस आया, मेरा इन लोगों ने पिकअप करवा दिया. मैं इनऑर्बिट मॉल तक, किसी का फ़ोन आया कि हम भाई आपका प्रॉपर्टी का जो मैटर था उसके कुछ पेमेंट्स हैं. मैं मिलने गया, वो 5 लोगों ने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डाला और भर के मेंटल असाइलम ले गए, मेंटल हॉस्पिटल. ये बात है दिसंबर की, December 3rd, या मेरा पिकअप मुझे याद है नवंबर एंड December 1st वीक में मेरा पिकअप हो गया. ये है जी, मैं 1 महीना वहाँ था. इस जगह का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट हाँ मैं ले जाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे रख दिया. मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे फिर दोबारा डाल दिया. मैं दोबारा वो चीज़ फेस करने लगा. मैं उस जगह पहुँचा हूँ, जो लड़का मेरे साथ उस बेड सामने मेरे वार्ड में है, एक रात पहले अच्छी बात कर रहा है कि अरे आपको मैंने देखा है टीवी पे, मैं आपका फ़ैन हूँ, सब कुछ बात कर रहा है, आप इधर कैसे. मैं कुछ बता ही नहीं रहा, मैं कहूँगा यार कुछ है फैमिली इशूज़ है. वो लड़के से मैं अगले दिन मिलता हूँ, उसके मुंह से थूक टपक रहा है, उसको ECT दे दिया. मैं ये माहौल से इतना घबरा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ. मैं सोचूं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है. ECT दे दिया उसको मेरे सामने. मेरा 1 महीना इतना परेशानी में गुजरा. मैं भागने की सोचता था, मैं समझता मेरे को समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या. एनर्जी ख़त्म, मैं सारा दिन सिर्फ पढ़ाऊँ. फिर एक दिन मेरी मदर मुझको वहाँ से, मेरे को आता है कॉल नीचे कि आप नीचे आइए, आपका डिस्चार्ज है.
मैं उसमें भी खुश हो गया कि शायद मेरी मदर मुझको लेने आ गई, इनको गाड़ी बेचनी थी शायद इसलिए इन लोगों ने डाल दिया. मैं नीचे उतरा, मेरी मदर मिलने आई, आते ही चिल्लाना चालू. मैं बाहर निकला हूँ रिहैब से और चिल्ला रहे हैं, वो इंसान भी खड़ा हुआ है अभी कि तूने ये करा, तूने वो बवाल काटा. मैं देख के सिर्फ समझ ही नहीं आ रहा है फिर क्यों चढ़ रहे हैं. अभी तो मैं करा ना जो करा, आपने करा अपनी मर्जी से करा. उसमें मैं कह रहा हूँ मेरी मदर मुझको जो बोलेगी मुझे मंजूर है. ये कौन होती, मैं पूछ रहा हूँ कि तू कौन है मुझे कुछ बोलने वाला. ये मुझे थप्पड़ भी मारेगी, मैं खाऊंगा आप भी खाऊंगा. तू कौन है, तू है कौन, मुझे जानना है तू मेरे रिलेशन में क्या है. और उस दौरान बाहर खड़े हैं मिराज सर और 5-6 लोग और मैं समझ गया मेरे एक और पिकअप प्लान किया हुआ. मैं इतना टूट गया, मैं इतना टूट गया कि मेरे को लगा कि अब मेरा दोबारा, मेरी इच्छा भी नहीं थी अब कुछ दोबारा करने की. बहुत अजीब हो गया था, घबरा 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 के प्रॉपर्टी पे अंदर मुझे बोल दिया साहब मैं आपको साइन करने के लिए पेपर्स लेंगे, आपको साइन करना है. मैं कहा मैं नहीं करूँगा. प्रॉपर्टी पे साइन के लिए, गाड़ियाँ बेचने के लिए, घर के पैसे, इतने पैसे देने के बाद भी और कुछ पैसों के लिए मेरे इतना बुरा हाल किया कि मैं अंदर से पागल हो गया था. व्यक्ति रहता उस, मेरी मदर आज कुछ अजीब हो गई है. मेरी मदर बहुत ओवर पोजेसिव नेचर है, बहुत ओवर पोजेसिव. मैं किसी मेरे कोस्टार्स के साथ काम करता हूँ, उनको कोई बर्दाश्त नहीं, लड़का बर्दाश्त नहीं, लड़की बर्दाश्त. और ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ हम सब दोस्त होते हैं. हम लोग कितने लोग जेल होते हैं आपस में, कितने लोग हम अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे हमारे रिलेशन होते हैं. रिलीज करवाया और निकाल के मुझे इधर भेज दिया इनके पास. अब मैं इनके पास गया, मैं 10 दिन, मेरी पहली मुलाकात हुई तो बशीर सर अंदर बैठे हुए थे. हाँ जी, मैं पूरा बताता हूँ. बशीर सर की फाउंडेशन है आशा की किरण फाउंडेशन. मैं मम्मी को गाड़ी में बैठ के पूछ रहा हूँ आप मेरे को क्यों, अगर आपको मेरे को डालना ही है, डाला हुआ है ना अभी, आप मेरे को कहाँ क्यों शिफ्ट करा रहे हो. कहती बेटा ये महंगा बहुत है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए जाते हैं महीने के. मेरे हर स्टेटमेंट पर मेरा दिल टूट रहा है कि यार मैंने इतना कमा के किया, आज इतने इतने रुपये के लिए मेरे साथ ये कर रहे हैं. मैं कह माँ मैं कर दूंगा, आके दूंगा पैसे, मुझको कमा के दूंगा पैसे, दोबारा चाहिए ना मुझको यहाँ से जाने दो. फिर मुझे गाड़ी में भरा, मुझे मैं सर के पास आया. मेरी मुलाकात हुई सर अंदर बैठे हुए थे. सर बोलते कि क्या हुआ, नशा किया? मैं कह नहीं सर नशा नहीं किया. अच्छा क्या हुआ? मैं कहा सर कुछ चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं किसी को नहीं बोल पाया अब तक, मैं आगे भी नहीं बोल पाऊँ. ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक तो टेंशन मत लो. बोले टेंशन मत लो, फैमिली इशू है. कहते ऐसा मत समझो ये सिर्फ रिहैबिलिटेशन इसी के लिए, तुम अशांत रहो. मैं 10 दिन वहाँ बहुत अजीब डिप्रेशन में वहाँ भी, पर वहाँ कुछ 1 महीना रहा, अलग पॉजिटिविटी, अलग प्रोग्राम से भी ज़्यादा एक बड़े भाई का साथ और वो अकेलापन एक शील्ड है आज मेरे पास. मैं बताता हूँ आशा किरण फाउंडेशन के फाउंडर और हेड. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. मैं आज आप लोग के बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा था, बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी, लोगों ने बहुत इमोशनल कमेंट्स भी लिखे, बहुत मोटिवेट हुआ मैं. और लोगों का साथ, ऐसे ऐसे कमेंट्स जिसमें वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं. कोई कह रहा है कि आप घर की टेंशन है, हम घर देते हैं. हालांकि मुझे सबकी फीलिंग्स, सबके इमोशंस मैं आज महसूस कर पा रहा था. शायद ये मेरे साथ नहीं होता, मैंने बहुत कुछ खोया है, पर उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है. और ये सच में गॉड गिफ्ट है. मुझको, मेरे साथ ये नहीं होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता मुझसे आप लोग इतना प्यार करते हैं. मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, बहुत आई एम रियली टच्ड. और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं अपने भाइयों के साथ हूँ जिन लोगों ने मुझको बहुत प्रोटेक्ट किया है. मैं जिनके प्रोटेक्शन में हूँ, जिनके साथ हूँ. ये मेराज भाई, हाय, हेलो. मेराज भाई हैं, हमारे मैम हैं नूरजा मैम, बशीर सर की वाइफ हैं. ये हमारे बशीर सर, ये पीछे हमारे छोटे जाद सर हैं, ये उबैद जी हैं. मैं इन लोगों के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ. और आप लोगों का इतना, अभी भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे को कभी नहीं पता था मेरे साथ इतने लोग हैं. थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, थैंक यू. हाय एवरीवन, मैं मुझे बहुत सारे कॉल आए हैं मीडिया से, मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे जानने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसा हूँ. मैं अभी बहुत परेशानी से गुजरा हूँ. मेरी फैमिली के खिलाफ मैंने एंट्री की थी,
जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट की. मैं मेंटली बहुत हरास हुआ हूँ, मैं बहुत चीज़ों से परेशानी से निकला हूँ. अभी मैं जिस जगह पर हूँ उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प किया है. और मैं मीडिया के सामने आके एक दो दिन में शायद बात चालू है, मैं बहुत एक दो दिन में शायद मिलूँगा और मैं सब कुछ खुल के बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है. और बाकी आप लोगों का कंसर्न देख के मैंने एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं एक दो दिन में पूरी तरह से सामने आता हूँ. थैंक यू.